आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अगर ASMT 10 का आपने रिप्लाई नहीं करा तो आपको लगेगी 50,000 की पेनल्टी। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? भैया ये बात मैं नहीं कह रहा, ये देखो अभी एक नोटिस आया हुआ है, उस नोटिस के अंदर हुआ क्या है, क्लाइंट ने ASMT 10 का रिप्लाई नहीं करा, और क्लाइंट ने अगर ASMT 10 का रिप्लाई नहीं करा तो डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगाई है 50,000 की। क्या कहता है डिपार्टमेंट जरा ध्यान से सुनो, इसमें लिखा हुआ है द टैक्स पेयर वाज सर्व नोटिस इन फॉर्म ASMT 10, कि टैक्स पेयर को ASMT 10 में नोटिस दिया गया 30 सितंबर 2022 को, हाउएवर द टैक्स पेयर हैव नॉट फाइल्ड एनी रिप्लाई रेस्पॉन्स अगेंस्ट द सेड नोटिस, कि उस नोटिस के अगेंस्ट में कोई रिप्लाई नहीं दिया गया, देयरफॉर द टैक्स पेयर इज लायबल टू पे जर्नल पेनल्टी, कि भाई टैक्स पेयर को अब जर्नल पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए की। अब मुद्दा ये आता है कि भाई अगर मेरे को ASMT 10 के अंदर कोई नोटिस दिया गया है, ASMT 10 के अंदर कोई नोटिस दिया गया है और मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ तो क्या सेक्शन 125 के अंदर जर्नल पेनल्टी लगेगी? एक बार आप लोग अपना व्यू बताएं कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसकी जांच करते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना व्यू मुझे बताएं, फटाफट से कमेंट डालकर बताएं, क्या 50,000 की पेनल्टी लगनी चाहिए, क्या सेक्शन 61 में रिप्लाई देना मैंडेटरी है, ये वाली चीज़ें मुझे बताएं, ठीक है ना जी। तो कई लोगों ने बताया सर नहीं पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, चलिए तो एक बार सेक्शन 61 को भी देख लेते हैं। सेक्शन 61 है हमारा स्कूटनी ऑफ रिटर्न्स का, सेक्शन 61 में स्कूटनी ऑफ रिटर्न की जाती है और ये कहा जाता है कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी तो हम एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, मांगेंगे किससे, ठीक है, असेसी से। लेकिन क्या ये असेसी के लिए मैंडेटरी है कि भाई वो रिप्लाई करे? भाई असेसी ने रिप्लाई नहीं करा, उसे लगा कि भाई नोटिस वर्थ इट नहीं है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा। अब भाई अगर आप वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो आप उसके अगेंस्ट सेक्शन 73-74 लगाओ, उसके अगेंस्ट सेक्शन 65-66-67 करो, लेकिन क्या जर्नल पेनल्टी लगेगी सेक्शन 125 की? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आंसर इज नो। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि भाई देखो असेसी की आपने स्कूटनी करी, आपने सेक्शन में खुद लिखा हुआ है कि असेसी क्या है, एक्सप्लेनेशन देगा 30 दिनों के अंदर, और अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो आप क्या करो, आप क्या करो, उसके अगेंस्ट सेक्शन 73-74 कर दो और सेक्शन 73-74 में पेनल्टी लगा दो। तो जब सेक्शन 73-74 में पेनल्टी लग गई तो सेक्शन 125 के अंदर पेनल्टी क्यों लगेगी? सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी तब लगती है जहां पर किसी और सेक्शन में पेनल्टी ना हो। तो जब सेक्शन 73-74 में ऑलरेडी पेनल्टी लिखा हुआ है तो इस केस में डबल पेनल्टी सेक्शन 125 में नहीं लगनी चाहिए। नहीं सर असेसी को रिप्लाई देना था, ये मैंडेटरी है। भाई सेक्शन 61 पढ़कर ये कहीं नहीं लिखा आ रहा कि भाई असेसी को रिप्लाई मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अगर असेसी रिप्लाई नहीं देता है तब क्या करना है, तो इसका मतलब मैंडेटरी तो है ही नहीं। अगर नहीं देता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लो। तो सेक्शन 125 की जो है पेनल्टी लगाई है 50,000 रुपये की, मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से ये वाली पेनल्टी गलत है, डिपार्टमेंट को ये वाली पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ASMT 10 का रिप्लाई नहीं देते हैं, ASMT 10 का रिप्लाई नहीं देते हैं, डायरेक्ट DRC 01 का रिप्लाई देते हैं। तो भैया अगर आप भी डिस्प्यूट से बचना चाहते हैं तो अगर आपको ASMT 10 आ जाता है तो रिप्लाई दे दो, नहीं तो अननेसेसरी की 50,000 की पेनल्टी आपको भी लग जाएगी। और अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है तो अर्जुन बैच आपने ज्वाइन कर लिया होगा, अगर किसी ने अभी तक अर्जुन बैच ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से हमारी हर संडे लाइव क्लास होती है और उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको अपने ऐप के थ्रू देते हैं। तो हमारा ऐप डाउनलोड करो और GST सीखने के लिए, और GST सीखने के लिए आप हमारे अर्जुन कोर्स को एनरोल करो। सर हमें तो इनकम टैक्स भी सीखना है, कोई बात नहीं भाई इनकम टैक्स सीख लो। इनकम टैक्स का हमारा एकलव्य बैच आ रहा है जिसमें बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, ROC, ठीक है ना, हम सारा सारा आपको सिखाएंगे। GST और इनकम टैक्स का कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी कर सकते हो। और इस संडे बैलेंस शीट कैसे फाइनल करें उसके ऊपर सेमिनार लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मात्र 199 में। फटाफट से
इस सेमिनार को ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपकी नॉलेज एनहेंस हो। तो वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सेक्शन 125 की पेनल्टी ASMBK के केस में जायज है या नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जी।